बिसमिल्ल रहीम टुडे और टॉपिक इज़ डेफोडिल्स बाय विलियम वर्सवर्थ आज के इस टॉपिक में हम डेफोडिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके पोइट के बारे में भी पूरा आपको जानकारी देंगे और साथ में ये भी बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिस जगह पर यह पोइट ने इसको सोचा और उसके बाद इस पोएम को लिखा तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ विलियम वर्थवर्थ जो कि पोएम के पोइट थे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटस्ट रोमांटिक पोएट्स इन द नाइनटीन सेंचुरी इंग्लैंड वो उन्नीसवी सदी के अजीम शायर थे ही बिलोंग्स टू रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री उनका ताल्लुक रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री से था पोएटरी ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नेचर विच हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन देअर पोइट्री इनकी स्टडी जो थी स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेथ डेट अप्रैल 23 1850 अब इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम वेयर व्हेन वाई ही रोट दैट पोएम वट वॉज द कंडीशन ऑफ द पोएट वाई ही राइट और वाई ही रोट द पोइम द इंस्पिरेशन फॉर द पोइम केम फ्रॉम अ वॉक ये इंस्पिरेशन उसको कहाँ से आई एक वो चहलकदमी कर रहे थे ही टुक वी सिस्टर डोरोथी वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ चहलकदमी कर रहे थे अराउंड गलैन कॉइन बे ऑल्स वाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 15, 1802, केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोटिल्स रिटर्न ऑफ द सेकेंड पॉइंट इज दैट रिटर्न इन 1804 ये 1804 में लिखी गई इट वॉज़ फर्स्ट पब्लिश इन 1807। फिर यह पब्लिश कब हुई 1807 में पब्लिश हुई इन पोइम्स इन टू वॉलीम्स ये पोइम जो थी ये टू वॉलीम्स में थी एंड अ रिवाइज वरियन द मोर कॉमनली नोन वॉज रिलीज इन 1815। फिफ्टी ये अठारह में इसका रिवाइज वरियन जो था वो रिलीज़ हुआ इट कंसिस्ट ऑफ फोर सिक्स लाइन्टास In Ambic Tetrameter and an AB A B C C Remy Scheme. Well known and often anthologized I wander lonely as a cloud is commonly seen as classic of English romanticism within poetry. Nature, there is the stanza. Stanza number one, which we will, dis we will discuss in this uh, video. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Now we will discuss the meaning of that. स्टेंसा वेंडर वेंडर का मतलब क्या होता है वॉक विदाउट एनी रीजन बगैर किसी वजह के चलना दैट इज कॉल्ड वेंडरिंग लोनली लोनली का मतलब क्या होता है अलोन अकेला वेल्स कहते हैं वैलीज को वादियों को और और कहते हैं ओवर को क्राउड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अ होस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अ क्विक वेवरिंग फ्लैपिंग movement, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं हम आगे पिक्चर की मदद से हम आपको इसको समझाते हैं आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड यानी मैं एक बादल की तरह आवारा घूम रहा था या बग़ैर किसी मकसद के घूम रहा था दैट फ्लोर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स वो बादल जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरते हैं यहाँ पर इसके मीनिंग बताया वेंडरिंग देखें इस जगह पे आपको पता लगेगा कि वैंडरिंग क्या होती है मूविंग एमलेसली वेल्स एंड हिल्स क्या होते हैं वेल्स एंड हिल्स कहते हैं आ नेचुरली रेस्ड एरिया ऑफ लैंड अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए जरा कि कुदरती तौर पर ऐसे एरियाज जो ऊंच ऊपर नीचे होते हैं दैट इज कॉल्ड वेल्स एंड हिल्स ठीक है ऐसी वादियाँ जो ऊंची होती हैं और नीचे होती हैं दैट इज कॉल वेल्स एंड हिल्स वेन ऑल एट वंस आई सा क्राउड जब एक दम से मैंने पूरा क्राउड देखा हजूम देखा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडल्स होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडल्स मतलब गोल्डन डेफोडल्स जो थी वो होस्ट थी उस जगह पे जिस जगह पे मैं घूम रहा था वहाँ पे होस्ट कौन था डेफोडल्स थी बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज साइड द लेक यानी नदी के साथ बनीथ द ट्रीज दरख्तों के नीचे यहाँ पर देखें आप कि यह नदी के बिल्कुल साथ डेफोडिल्स हैं विसाइड द लेक बिल्कुल साथ ही जो है ये आ रहा है और बिनीथ द ट्रीज मतलब दरख्तों के नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज वो फ्लटरिंग कर रही थी एंड डांसिंग कर रही थी इन द ब्रीज ठंडी हवा में अब फ्लटरिंग व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लटरिंग फ्लटरिंग को यहां पर डिफाइन कर दिया होवर बाय फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली जब आप फ्लैपिंग करते हैं परों की मदद से तेजी से और आहिस्ता से दैट इज कॉल्ड फ्लटरिंग क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड किसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द पोएम द पोएट वैंडर्स पोएट एमलेसली घूम रहा था दिस शोज दैट देर इज नो एम ऑफ हिज लाइफ इट इज़ मीनिंगस यानी ये चीज हमें बताती है कि जो पोइट की लाइफ थी वो एम लेस थी उसमें कोई एम नहीं था ठीक है मीनिंगस थी नंबर टू थी ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ लोनली क्लाउड उसने अपने आप को एक अकेले बादल के साथ कंपेयर किया

तो ये पॉइंट जो था वो ये बताता है कि पोइट जो था वो सैड नेचर में था ठीक है एक अफसरदा हालत में था उस टाइम जब उसने ये पोइम लिखी सडनली ही लुक्स एट अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लावर डेफोडिल्स अचानक उसने एक बहुत बड़ा हजूम देखा डेफोडिल्स का दिस हिंट एट इंटरेस्टिंग हैज़ कॉट हिज अटेंशन जब उसने ये बात की कि अचानक मैंने फूलों का यानी कि एक ग्रुप देखा तो इसका मतलब है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायर की अटेंशन जो है जो तवज्जो थी उसकी वो किसी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ गई द फ्लावर्स आर डांसिंग इन विंड यानी फूल जो थे वो हवा में डांस कर रहे थे द पोइट कंसीडर्स द डेफोडिल्स एज हेवनली ऑब्जेक्ट पोइट ने डेफोडिल्स को आसमानी चीज या कोई सितारे वगैरह समझा दैर आर अनकाउंटेबल जो कि अनकाउंटेबल थे ही मेक्स अजम्पन्स अबाउट देयर नंबर टेन थाउजेंड उसने अपने पास से ही एक अंदाजा सा लगा लिया कि ये टेन थाउजेंड थी दिस अजम्पन इज सिमिलर और अजम्पन अबाउट द नंबर ऑफ स्टार्स स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड टू द एग्जैक्ट नंबर कभी भी स्टार्स को एग्जैक्ट नंबर तक काउंट नहीं किया जा सकता अब जो पॉइंट इसके अंदर पॉइंट नंबर सेवन है उसको डिस्कस करते हैं द पोइट टेक्स द फ्लावर्स एज सुपर नेचरल बींग फेरीज उसने एक अलग सी महलूक एक फेरीज़ की शक्ल में फ्लावर्स को लिया द फ्लावर्स अपीयर टू बी मोर हैप्पी दैन अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट अराउंड तैम अब फ्लावर्स को पोइट यहाँ पर बता रहा है कि वो जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा वो हुश नजर आ रहे हैं द फ्लावर्स आर केयर फ्री एंड एक्सप्रेस देयर हैपीनेस बाई डांसिंग एंड टोजिंग देअर हैड्स सो द पोएट इन्जॉयज टू बी इन देयर कंपनी एज इट मेक्स हिम फॉर गेट हिज ओन वरीज यानी ये चीज़ें जो थी उसने पोइट की अपनी जो परेशानियाँ थी उनको भी बुला दिया जब उसने फूलों को झूमता हुआ हवाओं हुआ में देखा डेफोडिल्स आर अ परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पोइट डेफोडिल पोइट के लिए एक परमानेंट सोर्स था हैप्पीनेस का वेन द पोइट इज सैड ट्रुथ रिवील्स इट्सल्फ दैट द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग रिलीफ टू द सैड हर्ट्स इज नेचर नेचुरल ब्यूटी यानी जब वो परेशान होता तो उसको नेचुरल ब्यूटी से सुकून मिलता वेल एवर द पोइट फील सैड ही थिंक्स अबाउट द डेफोडिल्स एंड देयर केयरफ्री डांस विच मेक हिम रिलैक्सड एंड हैप्पी जब कभी वो दुखी मूड में होता तो वो डेफोडिल्स को सोचता कि वो किस तरह आजादाना तौर पे लहरा रही थी फिर इस तरह वो रिलैक्स हो जाता है और खुश हो जाता है द पोइट हैज़ यूज सिमिली मेटाफर पर्सनिफिकेशन एंड हाइपरबोले मैग्नीफाइंग थिंग्स थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द डेफोडिल्स थीम द पोएम प्रजेंट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी विद लीव्स अ फ्रेश एंड एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड यानी जो थीम था इसका ये ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये पोइम के अट्रैक्टिवनेस यानी दिलकशी जो है एक नेचुरल ब्यूटी जो है उसके अंदर एक अजीब सी खूबसूरती है जो कि इंसान के, के दिमाग को हमेशा के लिए फ़्रेश करती है सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम इज़ ब्यूटी इज़ फॉर द एडमेशन नेचुरल सीन इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन आर्टिफिशल In this poem, the poet praises the simple beauty of the daffodils, which impresses him in a single glimpse. यानी वो कहता है पहली लाइन में तो ये keh कह रहा है कि उसे natural beauty artificial beauty se से ज्यादा खूबसूरत होती है और jo जो है वो इस चीज़ की खूबसूरती को बयान भी करता है Now come to the figure of speech स्पीच अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कि स्टेंजा नंबर वन में फिगर ऑफ स्पीच को किस तरह हैंडल किया गया किस तरह उसने दी फिगर ऑफ स्पीच में तो जैसे कि मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि सिमिली की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि उसमें एज और लाइक आता है जब कंपेरिजन किया जाता है सो so, एक मरतबा रिवाइज भी करते हैं और इसे देखते भी हैं आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड तो इस सेंटेंस के अंदर सिमिली क्या है सिमिली का इस्तेमाल किया गया द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ टू अ क्लाउड वॉकिंग विदाउट एन एम द पोएट यूज एलिट्रेशन ठीक है अब यहां पर जो एज का वर्ड यूज हुआ दैट इज सेमिली जब उसने कंपेयर किया और साथ में उसने एज अ क्लाउड कह दिया दैट इज सेमिली तो सेमिली की सबसे बड़ी निशानी होती है उसमें एज और लाइक आता है अगर आपने मेरा फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली वो भी जरूर सुनिएगा इसके साथ ताकि आपको ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हों तो सेमिली के बारे में आपको वहां से पता लग जाएगा लेकिन इस पहली लाइन में आई आईवेंटर लोनली एज अ क्लाउड वो एक क्लाउड की तरह बादल की तरह घूम उनके साथ घूम रहा था या चल रहा था इसमें जो हमें एज है ये चीज़ बताती है कि ये सिमिली है द पोइट यूज एलिट्रेशन अब एलिट्रेशन क्या होती है एलिट्रेशन इज अउंड ऑफ कॉन्सोनेट लाइन टू दैट फ्लोट्स ऑन हाईर वेल्स एंड हिल्स द एच साउंड एज इन हाई एंड हिल्स जब हाई और हिल्स आ जाता है तो ये इसके अंदर एलिट्रेशन थी लाइन टू के अंदर हाई और हाई और वेल्स एंड हिल्स यहाँ पर एच एच की जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट है तो ये क्या है इसके अंदर एलिट्रेशन है लाइन नंबर फाइव बिसाइड द लेक बनीत द ट्रीज बिसाइड द लेक बनीत द ट्रीज अब दोबारा कॉन्सोनेंट बी जो थे बी कॉन्सोनेंट है बी एंड बी बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री तो यहाँ पर बी साउंड एज असाइड एंड बीनीट इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है कॉन्सोनेंट वर्ड की जो रेपिटेशन होती है उनकी जो साउंड होती है कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड जो होती है उसका बार बार आना पोएम के अंदर लाइन एक लाइन के अंदर तो देट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन नंबर वन गोल्डन डेफोडिल्स मेटाफर। अब इसमें मेटाफर किस जगह पे यूज हुआ है दोइ कंपेयर दलो डेफोडिल्स टू गोल्ड उसने जो येलो डेफोडिल्स थी उनको कंपेयर कर दिया गोल्ड के साथ क्योंकि उसने कहा गोल्डन डेफोडिल ठीक है गोल्डन डेफोडिल जो येलो डेफोडल्स थी उसको कंपेयर किया गोल्ड के साथ इन देयर ब्राइट कलर उनके ब्राइट कलर की वजह से फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज अब ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग वो फ्लटर कर रही हैं एंड डांस कर रही हैं इन द ब्रीज दैट इज पर्सोनिफिकेशन अब पर्सोनिफिकेशन क्या होती है जब किसी गैर इंसानी चीज में इंसानी हुबी का जिक्र पाया जाता है दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन द पर्सोनिफाइज द डेफोडिल्स टू पीपल हु कैन मूव एंड डांस पोएट ने पर्सोनिफाई किया डेफोडिल्स को उन लोगों के साथ जो कि मूव भी कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग स्टैंडा नंबर वन द पोइट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ फ्लोटिंग क्लाउथ पासिंग ओवर हाई हिल्स एंड वेल्स ही वॉज ऑन अ अस्ट्रॉल थ्रू द कंट्री साइड वेन ही सडनली केम अक्रॉस काउंटलेस येलो डेफोडिल्स दीज डेफोडिल्स वर बिसाइड अ लेक अंडर ट्रीज द फ्लोइंग ब्रीज मेड द डेफोडिल्स फ्लटर एंड इट्स एज इफ़ देवर डांसिंग ऐसे लगता था जैसे कि वो डांस कर रही हैं या फ्लटर कर रही हैं क्योंकि तेज़ हवा जब उन्हें छू कर गुजरती थी तो वह लहराती थी और पोइट ने इसको डांसिंग एंड फ्लटरिंग का नाम दे दिया थैंक यू एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफिज़ ये हमारा आज आपका स्टैंडा नंबर वन था तो ताला जल्द ही सेंदा नंबर टू की वीडियो भी आपके पास आ जाएगी इसे प्रिपेयर कीजिएगा चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा सकें थैंक यू अल्लाह हाफिज़